हेलो गाइस, ये है मेरा पहला व्लॉग, हमारा पहला व्लॉग। तो दूसरा पर्सन है, वो वीडियो में आना नहीं चाहता है, तो इसलिए मेरा पहला व्लॉग। और आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट मकाई का चिवड़ा। मकाई का चिवड़ा कैसे बनाएंगे? इसमें पहले तो हम डालेंगे ऑयल, जो सबसे डिफिकल्ट स्टेप है। जो ऐसा पतीला लेना है और उसमें डालना है ऑयल। बहुत लोग पानी डाल देते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही डिफिकल्ट स्टेप है ये। बहुत लोग उसको गलत डाल देते हैं। मैं अभी कंपनी से आया हूँ थोड़ी देर पहले, जो शाम के 7 बजे मैं कंपनी से आया हूँ, और मुझे लगी है बहुत ही भूख। और जब बहुत भूख लगी हो तो उंधियू तो नहीं बना सकते, तो हम बनाने जा रहे हैं मकाई का चिवड़ा, जो बहुत ही डिफिकल्ट है बनाने में, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। बहुत ही ज्यादा मतलब 5 मिनट जितना टाइम लग जाता है उसमें। तो आज हम वो बनाएंगे और मैं दिखाऊंगा कि कैसे बनता है ये शानदार चिवड़ा। तेल आ गया है और तेल में डलेगा 110 पीसेस मस्टर्ड सीड्स और 11.5 पीस अपना ये क्या बोलते हैं इसको, करी लीव्स, और उसमें असाफोटिडा उसको बोलते हैं। और अब गया ये अपना और इसमें डालेंगे। अरे वाह, बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस। वाह, इतना डिफिकल्ट है ये। और इसको अच्छा कि मैं थोड़ा ये हुआ है इसके अंदर। और अभी जाएगा इसमें हल्दी। हल्दी इसलिए डालते हैं कि उसके मकाई के जो दाने होते हैं उसके ऊपर नूर आता है, उसके उसके चेहरे पे। वो जो शादी में जो लड़के या लड़की के मुंह पे जो हल्दी वो डालते हैं, लगाते हैं, डालते तो नहीं है, तो जो जैसे नूर आता है वैसे नूर आता है। और बाद में डलेगा क्या, नमक डलेगा ना। हाँ। नमक नूर की वजह से नहीं, नमक स्वाद के लिए डाला जाता है, क्योंकि स्वाद भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ नूर इम्पोर्टेंट। तो भी डलेगा नमक और वो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम। वाह, धुआं बहुत हो रहा है तो इसलिए हम ये खोल देते हैं, क्योंकि धुआं वो चला जाए। और अभी बनना चालू हो गया है। अभी स्वाद अनुसार नमक डाला है तो बहुत अच्छा बनेगा ऐसा लग रहा है। और ये उसको ऐसा हिलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि चिपक जाता है। उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोटोकॉल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कट एंड फोल बोलते हैं। कट एंड फोल ऐसा, इधर दिखाओ कट एंड फोल कैसे करते हैं। कट फोल, ओ कट एंड फोल करते करते थोड़ा मेरे को काला काला कुछ नीचे दिखा, वो चिपक गया। ना, थोड़ा तो चिपकता ही, थोड़ा चिपकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी डालेंगे इसमें, गुजराती है तो थोड़ा चीनी तो डालता है, थोड़ा चीनी जाएगा, थोड़ा क्या जाएगा, ये लेमन, माँ का प्यार, ओ लेमन जाएगा। वो लेमन और चीनी, वो खट्टा मीठा हम बनाते हैं, कुछ भी हो खट्टा मीठा बनाने का, गुजराती कुछ भी बनाए खट्टा मीठा ही बनाते हैं। इसमें नॉर्मली चीनी तो नहीं डालते, पर ठीक है, अभी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। और अभी कुछ डालेंगे कुछ? हाँ। क्या डालेंगे? डालेंगे हम स्पाइसी बनाएंगे ना थोड़ा। अभी हम डालेंगे, क्या डाला, धनिया जीरा, दाना चीरू पाउडर बोलते हैं उसको। अरे वो डाल दिया भाई दो बार। अभी ये स्पाइसी बनाएंगे, चीनी डाल के नहीं, पर क्या डाल के, चिली पाउडर। और अभी ये बन ही गया है, अभी बनेगा तो खाएंगे, तारक मेहता साथ में देखेंगे और क्या। चलो बन गया भाई वो। हाँ, ज्यादा तो इसमें कोई एफर्ट डला नहीं है हमारा। वो ये मकाई भी ऐसा नहीं है कि वो खेत में से
तोड़ के उसको ऐसा बॉईल करके दाने निकाल के बनाया वो हम क्या लाए हैं दिखा ऑफिस से ये ऐसा ले लेने का इसमें बना बनाया पूरा बॉईल किया हुआ मकाई रहता है वो सीधा इसको खोल के सीधा इसको डाल के सब अपना मसाला वसाला डाल के 2-3 मिनट पकाने का है और खा लेने का। और ये हमारा बन गया है मकाई का चिवड़ा रेडी। अभी उसको वीडियो के लिए थोड़ा गार्निशिंग भी करेंगे नॉर्मली तक सेव डालेंगे। रुको एक मिनट हम डालेंगे सेव और ये है हमारा मकाई और इसको हम डालेंगे नहीं जाएंगे। वाह खाएंगे खूब मरी खाजो। वाह बहुत ही अच्छा बना है। गरम लाइक स्वाद अनुसार नमक डाला है इसलिए सही बना है। सो गाइस अभी खाना खा के हो गया। बहुत ही अच्छा बना था मेरा खाना और पूरा ऐसा पूरी फुल प्लेट खाना था ऐसा पूरा दाल रोटी सब्जी मकई का चिवड़ा और बहुत ही अच्छा था। तो अभी मैं थोड़ा बहुत टीवी देखूंगा और सो जाऊंगा और कल काम पे भी जाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग सो नॉट व्लॉग्स व्लॉग। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो उसको शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और जो भी 7-8 हज़ार चीज़ें जो होती है जो करने की रहती है इसमें वो एल्गोरिथम में ज़्यादा व्यूज लाने के लिए वो कर देने का। बाय बाय।